तो आज अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स की गुरुनुति 15 में हाइपरबोला के क्वेश्चन। ठीक है, माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दी कोऑर्डिनेट ऑफ दी सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला दिस पार्ट इज, आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, देन आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर हाइपरबोला आपका स्टैंडर्ड हो, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन, या फिर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, तो उस केस में तो फटाफट उसका सेंटर लेते हैं जीरो जीरो। अदरवाइज अगर हाइपरबोला की आपको जनरल इक्वेशन गिवन है सेकेंड डिग्री की, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू ए वाई प्लस सी जीरो, जिसमें डेल्टा नॉन जीरो होगा और एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, तो देन आप क्या करो सेंटर के लिए जो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है इसका करें आप डिफरेंशिएशन। इसका टू टाइम्स आपको करना है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टाइम तो क्या करो, एक्स के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, वाई इज ए कॉन्स्टेंट, फिर करना वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एज एक्स इज ए कॉन्स्टेंट। देखो इसका अपन पहले करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई इज ए कॉन्स्टेंट। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, टू एक्स प्लस y कांस्टेंट लेट करोगे तो x का 1, तो क्या आ गया 3y, 2y स्क्वायर का 0, 2x का 2, 3y का 0, 2 का 0, तो एक इक्वेशन तो मिली आपको दिस पार। सिमिलरली क्या करना है, अगेन इसका करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एज x एज ए कांस्टेंट, तो x स्क्वायर का 0 होगा, इस बार 3x कांस्टेंट है तो y का 1, तो ये आ गया 3x प्लस 2y स्क्वायर का क्या करोगे बोलो, 4y, 2x का 0 होगा और प्लस 3y का 3 इक्वल टू 0। इतना आने के बाद अब आपको क्या करना है, इन बोथ इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को करना है बेटा फाइंड आउट। तो सिंपल मेथड तो यही है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको करो बच्चों 2 से, तो देखो क्या आने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6x होगा और 2 से करने पे 6x, तो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को करो सबट्रैक्ट, तो 2x और 3x वाला पार्ट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 8x इज y, सॉरी 9x 9y माइनस 8y इज y और 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब इससे y की वैल्यू क्या मिली आपको 0, y को 0 पुट करोगे तो इससे x इक्वल टू आ गया बेटा माइनस, मतलब इस हाइपरबोला का जो सेंटर है वो क्या होगा, माइनस 1,0। जब भी आप हाइपरबोला की बात करो, किसी भी उसकी बात करो कॉनिक सेक्शन की, तो फटाफट ये जरूर चेक कर ले कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है। तो देखो इसमें देख लेते हैं, वैसे जरूरत है नहीं इसकी, कि कॉनिक सेक्शन कोई भी हो आपका, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो या पैराबोला, जब भी आपको जनरल सेकेंड डिग्री की क्वेश्चन गिवन है और उसका सेंटर करना फाइंड आउट, तो देन वी कैन यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सर, तो इसके अकॉर्डिंग हाँ, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी देखना, इसका 100% पॉजिटिव आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हाइपरबोला की क्वेश्चन है, तो माइनस 1,0 इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल, चलो उसके बाद बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया, पढ़े आप कि दी लोकस ऑफ दी मिड पॉइंट ऑफ दी कॉर्ड ऑफ दी स्टैंडर्ड हाइपरबोला। स्टैंडर्ड हाइपरबोला आपको गिवन है या लेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो देन क्या बोला गया बेटा इसमें आपसे कि आपको इसकी जो कॉर्ड्स हैं उसके मिड पॉइंट का लोकस करना फाइंड आउट, और इट इज पासिंग थ्रू दी फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, और जो कॉर्ड्स है आपकी वो फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कोमा बीटा से पास होती है। देखो कैसे करोगे, अपन एक काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेट करो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपने एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेट किया। अब क्या बोला गया सुनो, जैसे लेट ये हाइपरबोला की ब्रांच है, ऐसे इसकी जितनी भी कॉर्ड्स हैं इन कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस करना फाइंड आउट, तो जब भी आपको मिड पॉइंट का लोकस करना फाइंड आउट तो उसको लेट करो एच कोमा के। सिंपल सी बात है, ये लेट कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट अगर एच कोमा के है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको क्या लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज, तो कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन हो आपको एच कोमा के तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू एस वन। मिड पॉइंट अगर गिवन है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, t equal to s1, और ये सारे कॉनिक सेक्शन में वैलिड है, पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला और सर्कल के अंदर भी ले सकते हैं। t का मीनिंग टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस
y वन इज के अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, सॉरी हाँ ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की। एस वन का मीनिंग कर्व में आपको एच कोमा के पुट करना, तो ये आ गया बच्चों एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, ठीक है इक्वल टू तो लिख ही दिया था उसमें उधर, तो ये टी है और ये इक्वल टू एस वन है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो आपको हाइपरबोला गिवन है, मतलब आपको ए और बी कॉन्स्टेंट है, एच के का लोकस करना फाइंड आउट, इसका मीनिंग इसमें ओनली आपको एक्स और वाई को करना एलिमिनेट। तो ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, ये जो कॉर्ड्स हैं वो फिक्स्ड पॉइंट अल्फा कोमा बीटा से पास होती है, तो इसमें अल्फा कोमा बीटा पुट कर सकते हैं ना, तो एक्स को अल्फा पुट कर दो वाई को बीटा पुट कर दो, ये पुट करने के बाद देखो क्या आने वाला है, माइनस वन से वन तो कैंसिल किया आपने, तो एक्स को अल्फा से रिप्लेस करना है वाई को बीटा से, क्यों, क्योंकि अल्फा कोमा बीटा से पास करना है, तो ये जाएगा हाँ चलो कर देते हैं एक बार, तो अल्फा एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस बीटा के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ये आपने अल्फा कोमा बीटा पुट किया। तो अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें ओनली एच के और कॉन्स्टेंट्स हैं, और कॉन्स्टेंट कौन है ए बी अल्फा बीटा, तो ये फाइनली आपकी क्या होगी मिड पॉइंट का लोकस होगा, और लोकस आने के बाद एच को रिप्लेस करना है एक्स से, के को रिप्लेस करना वाई से, तो देन इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसको भी एक्स इसको वाई और सबको एक्स तरफ ले आओ, तो क्या जाएगा बताओ माइनस अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आपकी इस कॉर्ड की क्वेश्चन है जिसका मिड पॉइंट का लोकस आपको करना था फाइंड आउट। अब ये देखना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ढंग से देखो इसको अपने काम करते हैं एक्स और वाई में बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पहले वन लाना है, तो आप क्या करो फर्स्ट और थर्ड टर्म में वन अपॉन ए स्क्वायर बीटा लो कॉमन, तो जब इसमें वन अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, और सेकेंड और फोर्थ में बेटा माइनस के बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ गया क्या वाई स्क्वायर माइनस बीटा वाई इक्वल टू जीरो, इतना आने के बाद परफेक्ट स्क्वायर का क्या मेथड है फिर एक्स के कोफिशियंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करो और सबट्रैक्ट करो, यही काम वाई में करना है, तो देखो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको वन अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में देखो एक्स माइनस अल्फा वाई टू का होल स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बाई फोर एक्स्ट्रा टर्म है तो उसको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर, सिमिलरली जब आप इधर बात करोगे तो माइनस के वन अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, और ब्रैकेट में क्या होगा बोलो वाई माइनस बीटा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू, सॉरी ये माइनस करना है, सॉरी क्या करना है इसको माइनस करना था। अब जब वन अपॉन ए स्क्वायर और वन अपॉन बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट इसको इधर लिख देते, चलो यह होगा आपका एक्स माइनस अल्फा वाई टू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बात को सुनो ढंग से, मैं इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई अंदर, तो क्या आगे दिस अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन, मतलब ये माइनस तो ये माइनस हो गया और वो प्लस, इन दोनों को शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो ध्यान रखना इसको अपन करेंगे राइट साइड में शिफ्ट, और इस टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस वाई अपॉन बीटा वाई टू का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर कुछ कॉन्स्टेंट आने वाला है, क्या आने वाला है कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या होगा लिख देते हैं अपन अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन फोर बी बीटा स्क्वायर फोर बी स्क्वायर, तो देखो ये क्या इक्वेशन है कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बेटा इसका सेंटर क्या होगा ये आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन है,
तो इसका सेंट्रल ऐड करते हैं एक्स जीरो वाई जीरो, तो इसमें भी इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, तो इससे सेंटर क्या होगा अल्फा बाई टू कोमा बीटा बाई टू। तो जो मिड पॉइंट है इसका जो लोकस है वो क्या है, एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर बेटा अल्फा बाई टू कोमा बीटा बाई टू होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन रीड करते हैं अपन, ए सर्किल विद सेंटर गलत, एन एलिप्स विद सेंटर दिस पार्ट रॉन्ग, ए हाइपरबोला विद सेंटर अल्फा बाई टू कोमा बीटा बाई टू। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बोलो, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसको मैनिपुलेट करना था, ये कैलकुलेशन करनी थी इसमें। चलो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एन एलिप्स एंड ए हाइपरबोला हैव द सेम सेंटर एज ओरिजिन। एक हाइपरबोला है एक एलिप्स है, दोनों का सेंटर जीरो जीरो है। ठीक है, मतलब अपन को दोनों के केस में स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेट कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि जब कुछ मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन इतना बोला गया है कि दोनों का सेंटर सेम है, ओरिजिन सेम का है, एंड द माइनर एक्सिस ऑफ द वन इज सेम एज द कंजुगेट एक्सिस ऑफ द अदर। मतलब एलिप्स की जो माइनर एक्सिस है वो किसके इक्विवेलेंट है, हाइपरबोला की कंजुगेट एक्सिस के इक्विवेलेंट लेट करनी है आपको। ठीक है, इफ ई1 एंड ई2 बी देयर एसेंट्रिसिटी रेस्पेक्टिवली देन 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई2 स्क्वायर की वैल्यू को आपको करना बच्चों कैलकुलेट। तो अपन एक काम करते हैं कि हाइपरबोला का सेंटर और एलिप्स का सेंटर 0 0 गिवन है, तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेट करो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2D के अंदर अगर आपको चीज फिक्स बोली गई है तो अपन उसको एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आंसर में, क्योंकि अगर ओरिजिन को अपन किसी पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी ज्योमेट्री सेम होगी। ठीक है, चलो तो देखो अपन करते कि एलिप्स और हाइपरबोला को लेट करते हैं स्टैंडर्ड। तो चलो उनकी इक्वेशन लेट कर लेते हैं कि लेट एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए वन कर देते माइनस सॉरी प्लस बी वन स्क्वायर इक्वल टू वन। ये तो आपने लेट किया बेटा एलिप्स, ऐसे ही स्टैंडर्ड हाइपरबोला लेट करो एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ओरिजिन दोनों का सेम है जीरो जीरो, दोनों का सेंटर सेम है ओरिजिन जीरो जीरो, सेम फुकाय, तो एलिप्स की फुकाय क्या लिख सकते हैं ए ई, अपन लेट करते हैं ए ई कोमा जीरो प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो। तो इसमें क्या लेट करोगे ए वन ई वन, आप प्लस वाली ले सकते हो माइनस वाली, क्योंकि दोनों का सेम ही लेना है, करस्पॉन्डिंग फुकाई सेम होगी। ए वन ई वन इक्वल टू क्या बोला गया, इसकी फुकाई भी क्या होगी ए ई कोमा जीरो, तो इसमें जाएगा ए टू ई टू। तो एक रिलेशन तो अपन को ये पता चल गया। फिर क्या बोला गया, माइनर एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, एलिप्स की माइनर एक्सिस क्या होगी b1 और इसकी कंजुगेट एक्सिस b2, तो इसको दो सेम बोला गया। मतलब आपको एक चीज और पता चल चुकी है कि b1 आपका b2 के इक्विवेलेंट है, तो आपको इन दोनों रिलेशनों से 1 अपॉन e1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e2 स्क्वायर की वैल्यू को करना है कैलकुलेट। तो चलो लिखते हैं फॉर्मूला, e1 का मीनिंग या e1 स्क्वायर लिख दो सीधा, एलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 माइनस b1 स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे बोलो, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ई टू स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी टू स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर। बोलो आया ना, अब इन दोनों इक्वेशनों को यूज करना है, इन दोनों को इन दोनों में, और आपको ई वन ई टू में लाना है रिलेशन, वो भी कॉन्स्टेंट की थ्रो में, मतलब ए वन बी वन ए टू बी टू को एलिमिनेट करना है। देखो बी वन बी टू की इक्विवेलेंट, इस बात को ध्यान रखना सभी। तो अपन एक काम करते हैं, पहले दोनों इक्वेशनों से ए वन बी वन ए टू बी टू को करना है एलिमिनेट। तो देखो क्या करना चाहिए, सुनो इधर, अपन को ये पता है बी वन और बी टू की इक्विवेलेंट है, तो बेटर ऑप्शन यही है इसमें कि अपन फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को कर देते हैं एक बार सबट्रैक्ट, या फिर ऐड कर दो आप। भाई ऐड करोगे तो क्या होगा, भाई बी वन बी टू इक्वल होते, काम करो चलो इसको तो लेट कर दो भी, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते भी, देखते हैं हमें इन दोनों को बी लेट करो, और इसमें ए टू की वैल्यू पुट कर देंगे या इसमें ई वन की वैल्यू पुट कर दो। देखो ऐसे लिखते हैं इसको, ई वन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी वन को क्या लिख दिया मैंने बी स्क्वायर अपॉन ए वन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, इसमें ए वन की वैल्यू पुट कर सकते हो ए टू ई टू
अपॉन ई वन, ए टू तो ए टू स्क्वायर ई टू स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर। ये करने के बाद अब आपको देखो क्या करना है, ए टू स्क्वायर अपॉन अपने ए वन की वैल्यू पुट की, तो सॉरी ये आ जाएगा ई वन स्क्वायर, क्या जाएगा बोलो ई वन स्क्वायर। और ये क्या था बोलो, ये थोड़ा सिंबल ध्यान रखना आपको, तो इसमें कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बी वन और ए टू स्क्वायर। तो देखो मेरी बात को सुनना, तो चलो ये ई वन स्क्वायर तो आ गया इसके न्यूमेटर में, तो फाइनली आ गया ई वन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ई वन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर ई टू स्क्वायर। इतना आने के बाद आपको देखो बी स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो मेरी बात को सुनो, ये भी क्या बोला था आपसे कि अपन बी टू को बी लेट कर सकते हैं, तो क्या है बी टू स्क्वायर अपॉन या बी स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, बोलो आया ना। तो आप बी स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हो, और वो क्या पुट करोगे ई टू स्क्वायर माइनस वन। तो चलो पुट करते हैं इसमें, तो ये आ गया बेटा ई वन स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस ये पार्ट नेगेटिव ई वन स्क्वायर अपॉन ई टू स्क्वायर, और ब्रैकेट में वैल्यू किसकी पुट करनी है बी स्क्वायर अपॉन ई टू स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर की वैल्यू इज ई टू स्क्वायर माइनस वन, ये लो ई टू स्क्वायर माइनस वन। ये करने के बाद अब आपको इजीली इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, सबसे बेटर ऑप्शन है इस ई टू स्क्वायर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया ई वन स्क्वायर इन टू ई टू स्क्वायर माइनस ऑफ ई टू स्क्वायर इक्वल टू, इसको इन दोनों से करोगे तो क्या आएगा बोलो, ये ई टू स्क्वायर प्लस का था उधर जाके माइनस का कर दिया मैंने, और ये आ गया माइनस के ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर प्लस ई वन स्क्वायर, बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या। तो देखो इसके बाद क्या होगा, इस माइनस के ई टू स्क्वायर को शिफ्ट कर दो राइट में और माइनस ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर को शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो फाइनली ये क्या आ गया ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर इक्वल टू ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर, ये टू टाइम्स हो गया ना, डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। इस स्टेप के बाद इधर की बात की मैंने, बात को सुनना सब, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वन अपॉन ई वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू स्क्वायर, तो बेटा इसको ई वन स्क्वायर ई टू स्क्वायर से कर दो डिवाइड, तो आ गया वन अपॉन ई टू स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई वन स्क्वायर इक्वल टू टू, और यही वैल्यू आपको करनी थी कैलकुलेट। तो ई वन वन अपॉन ई वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई टू स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे टू, आंसर आपको फिल करना है, तो देखते हैं। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप एलिप्स हाइपरबोला लेट करो, फोकाई सेम करनी थी और बी वन इक्वल टू बी टू, तो उसको तो मैंने बी लेट किया, फिर दोनों में सिंप्लिसिटी का फॉर्मूला यूज करो, और इन चारों रिलेशन से आपको कुछ नहीं करना है, ए वन ए टू बी वन बी टू को एलिवेट करना है बस, वो आप कैसे भी कर सकते हो वो अपनी चॉइस है, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। हाँ, क्वेश्चन फोर्थ क्या रीड करें सभी, नॉर्मल टू दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन एट पॉइंट पी थीटा पासिंग थ्रू दी पॉइंट टू ए कॉमा जीरो, मतलब इस हाइपरबोला पे पॉइंट पी थीटा, थीटा का मीनिंग क्या है कि आपको इस इसेंट्रिक एंगल की फॉर्म, मतलब आपको पोलर फॉर्म में उस पॉइंट को लेट करना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोल सकते हो। तो हाइपरबोला पे जब भी आपको पॉइंट लेट करना है तो क्या लेट करते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा बी टेन थीटा, तो उसमें थीटा बोला गया है तो पॉइंट पी लेट करोगे बेटा आप ए सेक थीटा कॉमा एक पॉइंट टू लेट करेंगे। तो क्या करना है आपको, पॉइंट पी पे इस हाइपरबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है और वो नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दी टू ए कॉमा जीरो, आफ्टर दैट उस नॉर्मल को पास करना आपको टू ए कॉमा जीरो से, एट क्या बोला गया है कि एट क्यू कोमा फाइव, एक सेकेंड इसेंट्रिक एंगल है फाइव, उस पे अगेन आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे और इट इज पासिंग थ्रू दी जीरो कोमा माइनस टू बी, तो देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टेन फाइव, कि टेन फाइव की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको करना है बाद में कैलकुलेट। तो चलो देखते हैं, तो पॉइंट पी लेट किया ना आपने, तो सबसे पहले तो बताओ कि लेट हाइपरबोला पे पॉइंट है आपका पी, पहले इक्वेशन लिख लेते साइड में से ज्यादा बेटर होगा, पॉइंट मैंने पी लेट किया x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो क्या होगी हाइपरबोला पे,
xx1 upon a square minus yy1 upon b square equal to 1. What equation of normal क्या होगी बोलो? Equation of normal लीजिए. तो hyperbola के केस में equation of normal याद रखें आप सभी, a square x upon x1 plus b square y upon y1 equal to a square plus, ये आपके hyperbola पे normal की equation है. एलिप्स की बात करते हैं तो क्या करते हैं, इधर भी माइनस लगाना है, इधर भी माइनस लगाना है, और हाइपरबोला में प्लस लगाते हैं बस. तो ये पॉइंट x1 कॉमा y1 पे हाइपरबोला की क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो देखो पॉइंट p के लिए चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो कुछ नहीं करना ना, x1 को पुट कर दो x sec थीटा, y1 को पुट कर दो b tan थीटा. तो ये आ जाएगा आपका, सीधे लिख देते हैं इसको, ax cos थीटा, a के कैंसिल, sec को न्यूमरेटर में तो cos थीटा आ गया, प्लस by cot theta equal to a square plus b square. बोलो हाँ है ना, ये आपने लिखी equation of normal at theta पे, at point p theta. और बाद में बोला गया it is passing through the point 2a, 0. इसको आपको पास करना बेटा 2a, 0 से. इसका मीनिंग x को 2a पुट करना है, y को 0 पुट करना है, तो चलो पुट कर देते हैं. तो आ गया 2a square cos theta equal to a square plus b square. Simple. इसके बाद अब बात करते हैं point Q की. Simplification देखते हैं बाद में क्या करना है चीज क्वेश्चन में. अभी बात करो Q phi पे. तो phi में कुछ नहीं करना आपको, theta की जगह phi लिखना है. तो अगेन equation normal क्या होगी बोलो, ax cos phi plus by cot phi equal to a square plus b square. अब अगेन बोला गया कि this normal is passing through the point 0 comma minus k to b. इसको put करन, इसको pass करना है 0 comma minus 2b से. मतलब x को 0 put कर दो, y को minus 2b put करो. तो x को 0 put करने पे तो 0 आ गया ना, और y को minus 2b लोग तो आ गया minus k 2b square equal to a square. Sorry sorry. कोट थीटा और लगना था परसों 2b स्क्वायर कोट फाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, ये लेट इक्वेशन सेकंड है और ये लेट इक्वेशन. बस ये जो क्वेश्चन गिवन था उससे आपको ये टू रिलेशंस मिल चुके हैं. अब इन टू रिलेशंस को यूज करके आपको tan फाई का इंटरवल करना फाइंड आउट, ठीक है. तो देखो किस टाइप से करना चाहिए. इस इक्वेशन को हटा देते हैं, हमको यूज तो है नहीं इसका. देखो जो जितना मेरे को समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. अपन को ये पता है जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से लेस होती है. क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से लेस. सिंपल सी बात है, देखो इससे आपको कॉस थीटा क्या मिलता है, या सीधे लिख देते हैं कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1. कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस. तो चलो इसे कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस. सिंपल सी बात को सोचो ना यार, मेरे को tan phi की रेंज चीज का मतलब a और b में रिलेशन आना चाहिए. सिंपल सी बात है, तो चलो देखते हैं अपन. तो cos थीटा 1 से लेस है तो a स्क्वायर पर b स्क्वायर कौन 2a स्क्वायर होगा लेस देन इक्वल टू 1. तो 2a स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये जाएगा a स्क्वायर पर b स्क्वायर लेस देन 2a स्क्वायर. a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर तो आ गया a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने सीधा रिवर्स करके लिख दिया इसको, ठीक है. मतलब इस फर्स्ट कंडीशन से आपको क्या पता चल गया कि a स्क्वायर ग्रेटर देन होगा बिटा b स्क्वायर. इतना आने के बाद अब देखो क्या करना है, इस कंडीशन को यूज करेंगे अपन इसमें. तो चलो एक काम करते हैं, इससे cot phi की सॉरी tan phi की वैल्यू क्या करोगे. देखो पहले तो क्या करना है, इस 2b स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो cot phi आ गया ना, बट अपन को क्या चाहिए tan phi, तो उसका लो रेसिप्रोकल. तो देन आपको पता चल गया tan phi equal to minus 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बोलो आया ना. इतना आने के बाद देखो आपको ये पता है कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 और 1 से ग्रेटर है. a स्क्वायर अपॉन b, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 और 1 से ग्रेटर है. तो मैं एक काम करूंगा, इस राइट वाले राइट एक्सप्रेशन को कंप्लीटली a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर में कर दे कन्वर्ट. तो क्या करो, डिनोमिनेटर से आप b स्क्वायर कॉमन ले लो. तो जब बेटा डिनोमिनेटर से b स्क्वायर कॉमन लोगे तो देन न्यूमरेटर का b स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट. तो क्या आ गया बोलो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. तो अब देखें इधर आए, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की
मिनिमम वैल्यू आप ले सकते हो क्या, वन, तो वन एंड वन टू, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या जाएगा बोलो, टेन फाइव, एक तो आ गया माइनस वन। उसके बाद ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू वन से ग्रेटर, इसका मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर सकती है, तो इसको इन्फिनिटी लोगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो, मतलब ये वैल्यू मिलेगी आपको मैक्सिमम। बच्चों को लग रहा होगा कि इसको मिनिमम पुट करोगे तो ये मैक्सिमम आना चाहिए, नहीं, ये माइनस आ रहा है इसलिए उल्टा हो जाएगा दोबारा। आप एक काम करो, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस टेन फाइव, चलो मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए ढंग से। आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्रॉपरली कि माइनस के टेन फाइव इक्वल टू ट्वाइस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। अब मैं इसकी रेंज की बात करूंगा तो आप क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू वन लोगे तो टू अपॉन मिनिमम इज मैक्सिमम, तो वन एंड वन वन, सॉरी वन एंड वन टू अपॉन टू इज वन आ गया, मतलब इसके केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोलो, वन होगी। और जब आप बात करते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो टू अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसकी मिनी वैल्यू क्या मिलेगी बोलो, जीरो। जीरो पे ओपन लगाना है क्योंकि जीरो आपका इन्फिनिटी की वजह से आया था, तो माइनस टेन फाइव आपका जीरो से बनेगा, तो माइनस को राइट में शिफ्ट करोगे तो देन आप क्या बोलोगे बोलो, टेन फाइव बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा कि जो टेन फाइव है इसकी वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर होगी बेटा और जीरो से लेस होगी। चलो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, यस, माइनस वन से जीरो इसका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। ठीक है, देख सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन नॉर्मल पता होनी चाहिए बस आपको, उसको लिखो, पॉइंट से पास किया, एक रिलेशन मिला आपको ए बी और कॉस थीटा में, सिमिलरली सेकंड रिलेशन, अब आपको कॉट फाइव चाहिए, इसका मतलब आपको ए और बी में रिलेशन लेके आना पड़ेगा, और ए और बी में रिलेशन के लिए कॉस थीटा की वैल्यू वन और वन से लेस लिख सकते हैं। इसमें दिक्कत ये, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर लेस देन इक्वल टू माइनस में लिखो, लिखना ही नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप ज्यादा ज्यादा इधर लिख सकते हो जीरो से ग्रेटर, तो वो इनइक्वलिटी ऑलवेज आपकी ट्रू होगी। ठीक है, तो बस एक ही काम करना था, कॉस थीटा की वैल्यू वन से लेस। चले हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला गया, लेट ए एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा बी एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री वी थ्री पॉइंट्स लाइंग ऑन दी कर्व दिस पार्ट। ये कर्व क्या बोलो, एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, आप इसको फोर से डिवाइड करो दिख जाएगा सबको, ये आपको एक एलिप्स गिवन है, या वन बाई फोर लिख दो सीधा ज्यादा बेटर है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन बाई फोर इक्वल टू वन, तो एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और उस पर थ्री पॉइंट लाई करते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थ्री पॉइंट से एलिप्स पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। चलो मैं रफली आपको समझा देता हूं, ऐसे मेजर एक्सिस की एक्स एक्सिस होगी, तो जो तीनों पॉइंट है ना वो इधर रिलेट करने हैं, मतलब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री ऑल आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई थ्री प्लस एक्स थ्री वाई वन इज इक्वल टू, एक्स वन के साथ वाई टू है, एक्स टू के साथ वाई थ्री है और एक्स थ्री के साथ वाई वन है, तो इसकी आपको क्या चाहिए बोलो, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो कैसे करना चाहिए, तो स्टार्टिंग में मेरे को तो एक ही काम समझ में आ रहा है कि एक्स पॉइंट ए बी सी आर लाइज ऑन दी कर्व, मतलब ये पॉइंट ऑल थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन दी इलिप्स, तो तीनों पॉइंट को पुट करते हैं पहले, फिर देखते कुछ समझ में आएगा क्या, तो क्या जाएगा इससे बोलो, एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू वन, सिमिलरली नेक्स्ट क्या लिखोगे बोलो, एक्स टू स्क्वायर प्लस फोर वाई टू स्क्वायर इक्वल टू वन, और नेक्स्ट इज एक्स थ्री स्क्वायर प्लस फोर वाई थ्री स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपको थ्री रिलेशन पता चल, अब भूल जाओ उसको, अब मेरे को ये लेके आना है दिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, एक्स वन के साथ वाई टू चाहिए, एक्स टू के साथ वाई थ्री लाना और एक्स थ्री के साथ वाई वन लाना। तो देखो ढंग से, अगर आप देखो मेरे को पता है एक्स वन वाई वन सारे पॉजिटिव हैं, मेरे को एक्स वन वाई टू लाना है, तो एक काम करते हैं अपन एक्स वन वाई टू में यूज करते हैं एम ग्रेटर देन बी, बात को सुनना थोड़ा ढंग से, ए सारे नंबर पॉजिटिव है तो आप इजीली एम जी एम को यूज कर सकते हो, तो टू नंबर का अर्थमेटिक मीन तो लिखते हैं ए प्लस बी बाई टू और ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं क्या रूट ए बी। तो देखो अगर आप ये बोलोगे नहीं सर हम तो एक्स वन वाई टू में एम जी एम यूज करेंगे, तो इधर क्या होगा, या एक्स वन स्क्वायर या अपन को उधर एक्स वन वाई टू लाना है ना राइट साइड में मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करोगे एक्स वन स्क्वायर और वाई टू स्क्वायर में एम जी एम यूज करो, तो अगर ये लिखते हो आप देखो क्या प्रॉब्लम आने वाली है, एक्स वन स्क्वायर प्लस अपॉन टू होगा, चलो लिख देते हैं
और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वन बाई टू, बोलो हाँ है ना। तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो तो ठीक है मिल जाएगा आपको, ऐसे अगला क्या करोगे एक्स टू बाई थ्री में, और नेक्स्ट करोगे आप एक्स थ्री बाई वन में, तो राइट साइड में तो आपको जिसकी वैल्यू चाहिए मिल जाएगी, बट जब आप इसको एड करोगे तो ये तो आ गया राइट साइड में, बट न्यूमेरेटर में होगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर पर वाई वन स्क्वायर पर वाई टू स्क्वायर वाई थ्री स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आपको पता है ही नहीं ना। तो देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, इनको जब आप ऐड करते हो तो देखो ये तो आ गया एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर प्लस ये फोर एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, अगर सीधा करोगे तो क्या दिक्कत आ रही है, फोर एक्स्ट्रा है। तो फिर आप क्या करो एक्स वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर में ए एम जी एम यूज ना करके आप यूज करो फोर वाई टू स्क्वायर में, मतलब ये नंबर ए है ये नंबर बी है, तो अब क्या होगा रूट दिस इंटू दिस, तो एक मल्टीप्लाई में टू और आ जाएगा, इस टू को मल्टीप्लाई कर दो अगेन तो आपको क्या मिल गया बेटा एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर वाई टू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वन वाई टू, बोलो आया ना। सिमिलरली अब देखो क्या करना है, आप तो सिंपल है आप सभी कर सकते हो इजीली, अब जब आप एक्स टू वाई थ्री में करोगे तो क्या लिखेंगे बोलो एक्स टू स्क्वायर प्लस फोर वाई थ्री स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो बेटा फोर एक्स टू वाई थ्री, किसमें यूज किया है एक्स वन स्क्वायर और फोर वाई टू स्क्वायर में, अगेन ए एम जी है एक्स टू और फोर वाई थ्री में यूज किया था अपन, और लास्ट क्या करना है एक्स थ्री स्क्वायर और फोर वाई वन स्क्वायर में, तो क्या लिखना है बोलो एक्स थ्री स्क्वायर प्लस फोर वाई वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स थ्री इंटू वाई वन। अब आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेट फर्स्ट, लेट इक्वेशन सेकेंड और लेट इक्वेशन थर्ड, ये ऑल थ्री इक्वेशन को करो साइमल्टेनियसली एड, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को जब आप एड करते हो एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आपको करना है एड। तो देखो एड कैसे करोगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड एड करोगे तो क्या जाएगा बोलो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस फोर वाई वन स्क्वायर फोर वाई टू स्क्वायर प्लस फोर वाई थ्री स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो लेफ्ट साइड में जब इन सिक्स टर्म को एड करोगे तो देखो इनका एडिशन थ्री आ गया ना, अरे लेफ्ट साइड में क्या है इन तीनों का समेशन, इन सिक्स पार्ट का समेशन, तो इनको ऐड करने पे क्या मिल गया इसका सम थ्री, तो इधर तो आ गया थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर कॉमन आ गया इन तीनों में, और ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई थ्री प्लस एक्स थ्री वाई वन, इसकी चाहिए आपको मैक्सिमम वैल्यू, तो फोर को डिवाइड में लेके आओगे तो थ्री बाई फोर कौन सी वैल्यू होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को ट्राई करना था, चलो तो इसके अकॉर्डिंग हाँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा थ्री बाई फोर, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, इफ दी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन कट दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू वन, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको गिवन है एक्स वाई इक्वल टू वन, इसको ये जो सर्कल है जिसका सेंटर जीरो जीरो है ये फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है बेटा इंटरसेक्ट करता है इस हाइपरबोला को, और वो पॉइंट क्या बोलेंगे एक्स वन को एक्स आई कॉमा वाई आई और आई को वन टू थ्री फोर लेना है, इसका मीनिंग एक्स आई को वन लोगे तो एक्स वन वाई वन, अगला एक्स टू वाई टू, अगला एक्स थ्री वाई थ्री, अगला एक्स फोर वाई फोर, ये फोर पॉइंट्स को सर्किल क्या करता है हाइपरबोला को इंटरसेक्ट। देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट होगा, तो सिंगल चॉइस इसलिए लिख दिया नॉट करेक्ट बताना आपको। तो चलो एक काम करते हैं अपन समझते हैं थोड़ा, आप सबको पता होगा एक्स वाई इक्वल टू वन जो रेक्टेंगल हाइपरबोला है उसका डायग्राम अपन जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, सर्किल का सेंटर जीरो जीरो है तो जब आप इसके डायग्राम को बनाओगे तो वो इस टाइप से क्या करेगा इसको इंटरसेक्ट करने वाला है, हाँ ना, ये लाइट पॉइंट ए है ये लेट पॉइंट बी है ये लेट पॉइंट सी है ये लेट पॉइंट आपका डी है, ठीक है। तो देन आपको क्या करना है समझो x1 x2 x3 मतलब जो पॉइंट ए बी सी डी है इनके x कोऑर्डिनेट के सम की बात की गई है y कोऑर्डिनेट के सम की बात की गई है और उनके प्रोडक्ट की बात की गई है, ठीक है। तो देखो कैसे करना चाहिए अपने काम करते हैं, जो हाइपरबोला है आपका x इक्वल टू 1 इस पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लेट कर सकते हैं अपन, याद आना चाहिए सबको कि जब भी आपको हाइपरबोला पे पैरामीट्रिक पॉइंट लेट करना है तो क्या लेट करोगे, एक सेकंड रुको
एक्स वाई इक्वल टू बने ना, हाँ तो सी सिंपल सी बात है, फिर तो सी वन आ गया ना, तो ये ले लो आप टी कोमा वन बाई टी, हाइपरबोला पे पॉइंट लेट करो टी को, ऐसा पॉइंट लेट करो जो उसको सेटिस्फाई करता है, सिंपल सी बात है। तो देखो पॉइंट ए लेट करना ना, तो एक काम करो इसको लिख दो टी वन कोमा वन बाई टी वन, ऐसे ही अगर बी पॉइंट लेट करोगे तो क्या लिखोगे टी टू कोमा वन बाई टी टू, हाँ है ना। अपन एक ऐसे समझते हैं कि जो चारों पॉइंट आपने लेट किए हैं ए बी सी डी, तो इनको शॉर्टकट में क्या लिख दो कि जो पॉइंट है आपके ए बी सी डी वो टी कोमा वन बाई टी है, क्योंकि टी को टी वन लोगे तो ए पॉइंट होगा, टी को टी टू लोगे तो बी पॉइंट होगा, अप टू सो ऑन। तो ये जो पॉइंट है ऑल फोर पॉइंट ए बी सी डी, इनको जनरल फॉर्म में क्या लिख दिया टी आई कोमा वन अपॉन टी आई लेट कर सकते हो, और पॉइंट ए लाइज ऑन दी सर्किल, ये पॉइंट ए किसको सेटिस्फाई करता है बोलो सर्किल को, तो चलो सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस वन वाई टी स्क्वायर इक्वल टू वन, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया टी फोर प्लस सॉरी माइनस आएगा टी फोर माइनस, ये आपको टी में एक वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, इसके कितने रूट होंगे चार रूट होंगे टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, इसके फोर रूट होंगे टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर। अब आपसे इसी की बात की गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे ट्राई करता है, ये वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको फोर रूट पता अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट लिख सकते हैं अपन इजीली, तो काम करो पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट रूट सबके लिए क्या करते हैं ये सारी टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए शॉर्टकट के लिए। तो टी फोर प्लस जीरो टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस जीरो टी प्लस वन जीरो आना चाहिए आपको, लिखते ना शॉर्टकट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखो सबका सम क्या होगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर, ये तो क्या आएगा बोलो दिस अपॉन दिस जीरो आ गया ना, फिर सबका प्रोडक्ट करोगे तो टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर, ये क्या होगा बोलो प्लस 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 वन अपॉन वन इज वन, तो सबका प्रोडक्ट आ गया। अभी दो ही लिखते हैं बाकी जरूरत पड़ेगी तो देखना बाद में, सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात की है। अब आपको क्या करना है x1 plus x2 plus x3 plus x4 का सम चाहिए, तो चलो लिखते हैं इसको x1 plus x2 plus x3 plus x4, इसका मीनिंग क्या है t1, x1 का मीनिंग t1, x2 का मीनिंग t2, t3, t4, तो इससे क्या गया t1 plus t2 plus t3 plus t4, तो इसका सम कितना है जीरो, तो इसका मतलब x1 plus x2 plus x3 इसके सम की वैल्यू जीरो मिलेगी आपको। फिर अगले ऑप्शन की बात करते हो, ऐसा एक ऑप्शन में क्या था y1 plus y2 plus कि बताओ इसका सम क्या होगा, तो अगेन क्या 1 by t1 1 by t2, तो जब इसकी बात करूं तो एक काम करो 1 by t1 1 by t2 1 by t3 1 by t4, तो इन चारों के प्रोडक्ट का जब एलसीएम लोगे तो न्यूमेरेटर में क्या होगा जैसे t1 है इसके नीचे तो t1 t2 t3 फिर t1 t3 t4, इसका मतलब ये तीन तीन के मल्टीप्लाई का समेशन होगा, हाँ या ना, ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया इसको, क्या होगा थ्री थ्री के मल्टीप्लाई का समेशन, ये सुनो। तो देखो इसमें भी काम करते हैं, ये तो है सम ऑफ रूट, फिर अगला क्या लिखते हैं अपन दो दो के मल्टीप्लाई का समेशन टी वन टी टू, तो वो अगला क्या होगा बोलो भाई सम ऑफ रूट में क्या करना है दिस अपॉन दिस, फिर दो दो के मल्टीप्लाई में दिस अपॉन दिस, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा माइनस की वन, और थ्री थ्री के मल्टीप्लाई में क्या आएगा टी वन टी टू टी थ्री, और आगे चलो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं तो ये भी क्या आ गया बोलो जीरो, तो सिंपल सी बात है सिग्मा टी वन टी टू टी थ्री मतलब थ्री थ्री के प्रोडक्ट का सम जीरो है अपॉन में वन है, तो अगेन जो कोऑर्डिनेट्स है इनका सम भी आपको क्या मिला बेटा जीरो, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर इनका सम भी जीरो और वाई वन वालों का सम भी आपको जीरो आ गया। फिर और क्या ऑप्शन बोले गए देखो, हाँ अब चारों के प्रोडक्ट की बात की गई है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, तो देखो जब प्रोडक्ट की बात करोगे तो x1 x2 x3 और x4 इनका प्रोडक्ट करो आप, इनका ही तो करना t1 t2 t3 का, तो t1 t2 t3 और t4 इसका प्रोडक्ट कितना है वन,
और जब आप बात करोगे y1, y2, y3, y4 के प्रोडक्ट की, तो क्या करना है, 1 by t1, 1 by t2, 1 by t3, 1 by t4, इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो वो अपॉन में आ जाएगा, और क्या है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 अपॉन चारों का मल्टीप्लाई, तो अगेन 1, तो ये भी वैल्यू आपको क्या मिली, 1। मतलब इनकी जो दोनों के प्रोडक्ट हैं x1 और x2 वाले, x1 और y2, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों में 1 बनानी चाहिए, तो ठीक है, तो दोनों जीरो है ये, तो थर्ड फोर्थ भी सही होगा, फर्स्ट भी सही होगा, तो उसने पूछा है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग, तो हाँ इनका प्रोडक्ट माइनस में नहीं हो सकता, तो इसका थर्ड ऑप्शन विल बी, सॉरी सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, चलो चलें उसके बाद, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े सभी, इफ द सेंटर वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ ए हाइपरबोला आर दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, जो हाइपरबोला है इसका सेंटर जीरो जीरो है, देखो समझो ये लेट एक्स एक्सिस है, ये लेट आपकी वाई एक्सिस है, सेंटर जीरो जीरो बोला गया है, वर्टेक्स आपको फोर कोमा जीरो लेना है और एक फुकाय आपकी सिक्स कोमा जीरो है, इसका मीनिंग जो हाइपरबोला है वो कैसा होगा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला इस टाइप का, सेकेंड ब्रांचेस किधर हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो सिंपल सी बात है, वर्टेक्स क्या होता है ए कोमा जीरो, ये इसने बोला है फोर कोमा जीरो और इसकी फुकाय क्या बोली गई है बोलो सिक्स कोमा जीरो, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हाइपरबोला के लिए स्टैंडर्ड के लिए ए कोमा जीरो, तो इससे ए तो आ गया बच्चों फोर और ये फुकाय क्या होगी ए कोमा जीरो, ए आ गया आपका सिक्स, ए को फोर पुट करोगे इसमें तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी थ्री बाई टू, चलो हाँ तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी वन से ग्रेटर है ना, तो करेक्ट है, तो ए पता है ई पता है, तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए बी की वैल्यू, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अब देखो इसमें ए और ई पता है, तो चलो पहले बी की बात करते हैं, अपन बी क्या होगा बोलो, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें चलो ई की वैल्यू क्या थ्री बाई टू, तो ये तो आ गया नाइन बाई फोर इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज सिक्सटीन, वन को इधर शिफ्ट करोगे तो नाइन बाई फोर माइनस वन इज फाइव बाई फोर, तो फाइव बाई फोर इक्वल टू आ गया बेटा b स्क्वायर अपॉन 16, 16 से मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बोलो 20, यस और नो, सिंपल, तो चलो वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1, ये होगी इस हाइपरबोला की इक्वेशन। अब देखो 80 ला सकते हैं अपन, क्योंकि 16 और 20 का जो क्या है LCM वो 80 होगा, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 80, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और बस इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि जो थ्री चीजें गिवन है आपको सेंटर वर्टेक्स फोकाय, इससे ये पता चल गया कि जो पैराबोला है हाइपरबोला सॉरी ये आपका क्या होगा स्टैंडर्ड हाइपरबोला होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया कि द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ ए हाइपरबोला इज 7, हाइपरबोला की जो ट्रांसफर एक्सिस है उसकी लेंथ आपको 7 गिवन है एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2, और जो ये हाइपरबोला है वो 5, -2 से पास होता है, तो देन आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को फाइंड आउट करना है। तो देखो हाइपरबोला में एक होती है ट्रांसफर एक्सिस, एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, तो दो सुनो मेरी तरफ, अगर आपने हाइपरबोला ये लिया है तो ये तो इसकी कौन सी एक्सिस होगी ट्रांसफर एक्सिस, और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एक्सिस, तो जो ट्रांसफर एक्सिस है इसकी लेंथ क्या होगी 2a, तो ट्रांसफर एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या होगी 2a इक्वल टू 7, और देखो इसको थोड़ा ऑप्शन से जस्टिफाई करोगे आप तो इसमें दिख रहा है आपको कि सब में जो फॉर्मेट है वो कौन सा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला, तो आपको हाइपरबोला ये लेना है, और अगर इसमें ऐसे ऑप्शन होता माइनस दिस प्लस दिस इक्वल टू 1 तो आप कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करते हैं, उस केस में ये 2b लेंथ आपकी 7 होगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि
जब हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला आप ड्रॉ करोगे तो उस केस में उसकी करोस्पोंडिंग एक्सिस क्या करते हैं, इंटरचेंज करनी है। उस केस में सारी टर्मिनोलॉजी आपकी इंटरचेंज होगी बस। तो अभी तो आपको स्टैंड हाइपरबोला लेना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब बस इसमें आपको ए और बी की वैल्यू को पुट करना है। तो देखो टू ए आपका सेवन है, तो ए तो आ गया भाई सेवन बाई टू। फिर क्या बोला गया, इट इज पासिंग थ्रू दी फाइव कॉमा माइनस टू। तो चलो इस हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या करना है, एक्स को तो पुट करना है फाइव और y को पुट करना है माइनस टू। तो क्या होगा बोलो, 25 अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या 49 बाई 4, तो 4 चला गया न्यूमेटर में, सीधे लग कर देते हैं माइनस y स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बोलो 1। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो मैं लिख सकता हूं 4 अपॉन बी स्क्वायर, मतलब 4 अपॉन बी स्क्वायर को राइट में शिफ्ट किया तो इसमें से 1 सबट्रैक्ट करो तो 100 अपॉन 49 माइनस 1 क्या क्या बोलो 100 अपॉन 49 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या मिलेगा बी स्क्वायर, सॉरी 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 51 अपॉन 49। ठीक है, तो देखो चलो मैं हाइपरबोला की इक्वेशन लिखता हूं। देखो इक्वेशन क्या आने वाली है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो कितना आ गया बोलो 49 अपॉन 4, 4 चला गया इधर, माइनस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 1 बाई बी स्क्वायर है तो 1 अपॉन बी स्क्वायर के लिए 4 को कर दो नीचे मल्टीप्लाई तो कितना जाएगा बताओ, 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू सिंपल क्या मिली आपको 51 अपॉन 49 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करना 9 इंटू 4 6 16 19 ये। ठीक है, बस सिंपल वैल्यू पुट की ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो ये इसका आंसर फाइंड हो गया सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना आपने। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 18। आपको एक हाइपरबोला गिवन है तो इस पे जो टेंजेंट है विच आर परपेंडिकुलर टू दी लाइन वाई इक्वल टू एक्स, इस हाइपरबोला पे देखो इस हाइपरबोला को डिनोट कर देते हैं अपन एक्स को 18 से डिवाइड कर दो, ये लाइन आपके हाइपरबोला की इक्वेशन है। फिर क्या बोला गया कि इस हाइपरबोला पे जो टेंजेंट है लेट इसकी टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर टू दी वाई इक्वल टू एक्स, तो जो वाई इक्वल टू एक्स है इसका स्लोप 1 होगा ना, तो जब इसका स्लोप 1 है और ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या होगा माइनस 1। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन को, आप एक काम करो जब भी हाइपरबोला पे आपको टेंजेंट की क्वेश्चन को लिखना है तो आपको सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंसिडर करो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब सिंपल सी बात है, इसका स्लोप तो दिख रहा है मेरे को माइनस 1, तो ये लो आ गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। बस आपको सी की वैल्यू करनी है कैलकुलेट। तो आपको हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला, जब आपने इक्वेशन ये लेट की वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो दिस केस में स्टैंडर्ड पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखें आप, पैराबोला में सी इक्वल टू ए वाई एम, स्टैंडर्ड इलिप्स के अंदर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या लिखते हैं बेटा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ए स्क्वायर की वैल्यू 18 है ना, लिख देते हैं 18 क्या दिक्कत है, एम स्क्वायर तो 1 हो गया नो प्रॉब्लम, और माइनस बी स्क्वायर इज 9, तो 18 माइनस 9 इज 9, तो सी स्क्वायर 9, तो बेटा सी आ गया प्लस माइनस 3। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यू पुट कर दो तो देन वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स प्लस माइनस 3, मतलब इस केस में इसके टू आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस थ्री। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आप ज्योमेट्रिकली समझो कि सर दो आंसर कैसे पॉसिबल है, तो चलो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं एक मिनट के लिए। ये अपना हाइपरबोला ऐसे होगा ना, अब क्वेश्चन ने क्या बोला गया कि जो y इक्वल टू एक्स लाइन है वो ऐसे होगी, तो इसके परपेंडिकुलर आपको टू टेंजेंट चाहिए। तो देखो
एक परपेंडिकुलर टेंजेंट तो आप ऐसे बना सकते हो, और इसके एक परपेंडिकुलर टेंजेंट आपकी यू भी तो हो सकती है ऐसे, ये दोनों पैरेलल होंगे, देखो ये दोनों क्या होंगे पैरेलल, ठीक है। तो टू पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलो हाँ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। आपको पैराबोला और इस हाइपरबोला के लिए क्या चाहिए, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। तो चलो देखते हैं, पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या करो 3 से डिवाइड करो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में, ये बात सुन लो सभी, एक बार डायग्राम से समझा देता हूं मैं आपको। ये हाइपरबोला ऐसे होगा और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की लाइन है, इसको क्या करेगी बोलो इंटरसेक्ट कर सकती है। चलो जैसे भी देख लेना वो आप, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगी ना, उसी केस में अपन क्या कर सकते हैं कॉमन टेंजेंट की बात। तो कॉमन टेंजेंट ऐसे बन सकती है ना, ठीक है, और कॉमन टेंजेंट ऐसी हो सकती है। अगर ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करती तो फिर कॉमन टेंजेंट केवल एक ही बन सकती है इधर वाले, इस वाली ब्रांच से। अगर इसने इस ब्रांच को क्या करती है इंटरसेक्ट, तो कॉमन टेंजेंट ये भी हो सकती है, फिर इधर भी बन सकती है, मतलब काफी सारी कॉमन टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। तो अपन मैथमेटिकली करेंगे वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। या तो एक काम करें, इन दोनों को इंटरसेक्शन देखें कि ये ब्रांच आपकी इस पैराबोला को कट करती है या नहीं। अगर ये इसको कट करती है तो दो टेंजेंट इधर होंगी और एक टेंजेंट इधर बना सकते हैं, या एक टेंजेंट इधर भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको अपन। तो क्या करें, अपन एक काम करते हैं कि लेट पैराबोला और इस इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए सॉरी, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी। मैंने इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है इसको लेट किया वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी। अब आपको एम और सी को करना है कैलकुलेट। तो सुनो, ये जो लाइन है ये इस पैराबोला को कट कर, ये इस पैराबोला को टच करती है, दोनों को टच करती है। इसका मतलब पहले बात करते हैं पैराबोला की, कि दिस लाइन टच दी पैराबोला, देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी बोलो, सी इक्वल टू ए बाई एम। तो इसका ए कितना बोलो 2, क्योंकि 4x के लिए क्या लिखते हैं अपन, ए 1 लेते ना, तो इसके लिए 2 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका कितना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 2ym। अब आपको m ही तो चाहिए ना। अगेन ये जो लाइन है टेंजेंट, ये इस हाइपरबोला को टच करती है, तो हाइपरबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो पुट करो वैल्यू, तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर एच, कितने चला गया वो 1। आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3। इतना आने के बाद अब देखो क्या करना चाहिए, इससे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने क्या लिखी थी 2ym, इससे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, सी की वैल्यू 2ym है, तो इसमें सी की वैल्यू को पुट कर दो 2ym, तो आ गया 4y एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन बनेगी एम 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m स्क्वायर में क्या बनी, क्वांटिक इक्वेशन। तो इसके टू फैक्टर होंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, एक तो फैक्टर होगा m स्क्वायर प्लस 1 और नेक्स्ट फैक्टर होगा m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, करके देख लेना आप सभी। तो m स्क्वायर प्लस 1 0, तो m स्क्वायर नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता ना, पॉजिटिव है, इसको 0 करने पे आ गया m इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो m की टू वैल्यूज मिली प्लस माइनस 2। तो जब आप m को प्लस लेते हो तो क्या आंसर होगा, y इक्वल टू 2x प्लस 1। जो y, जब आप क्या लेते हो टेकिंग प्लस m को, तो y इक्वल टू क्या होगा बोलो 2x प्लस 1, और जब माइनस की बात करोगे तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस 2x माइनस 1। तो सिंपल सी बात ये है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो सकता है, इसको शिफ्ट करोगे इधर y को तो 2x माइनस y प्लस 1 0, और हाँ 2x प्लस 2x माइनस y प्लस 1 0, और अगला होगा 2x प्लस y प्लस 1 0। मतलब एक बार तो तीनों प्लस होंगे और एक बार y के आगे माइनस होगा। तो देखो आ गया ना ऑप्शन, एक बार y को प्लस लोगे तो ये आंसर आ गया, और y को माइनस लोगे तो सॉरी y को प्लस लोगे तो ये आंसर आ गया ना, इसको तो ले आओ सबको, और y को माइनस लोगे तो सेकेंड आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन। तो आपको एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी
नॉर्मल की इक्वेशन, ये सारी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए सबको। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इफ थीटा इज दी एंगल बिटवीन दी एसिम्प्टोट्स ऑफ दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है इसकी जो एसिम्प्टोट्स है उनके बिटवीन एंगल आपको गिवन है थीटा। तो देन आपसे बोला गया कि एसेंट्रिसिटी ई, जिसकी एसेंट्रिसिटी सॉरी ई है, तो देन आपको sec थीटा बाय 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और जो ऑप्शंस है वो गिवन है आपको ई की टर्म में। तो समझो पहले ये एसिम्प्टोट्स का मीनिंग क्या है। ये आपका हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की जो एसिम्प्टोट्स है, एसिम्प्टोट्स का मीनिंग क्या है कि tangents which are meet the at infinites, tangent का मीनिंग वो तो एक finite point पे टच करती है और asymptotes का मीनिंग क्या है कि tangent which are meet the curve at infinite point, meet the curve at infinite point। तो इसको calculate कैसे करते हैं अपन generally कि आप एक काम करो, tangent की equation let करो y equal to mx plus c और इस y की value को put करोगे ना तो ये बनती है x में quadratic equation। क्या बनती है x में quadratic, सुनो एक बात को, क्या बनती है x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे ये x में क्वाड्रेटिक है। ये सिंपल सी बात है, ये लाइन अगर इस हाइपरबोला को टच करती है तो अगर वो टच करती है एग्जैक्टली तो फिर तो टेंजेंट होगी ना, तो फिर तो आप करते हो d0। तो उससे आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या मिलती है, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर बट ये बोले कि ये टेंजेंट ना होके क्या हो एसिम्प्टोट्स का मतलब जो इंफिनिटी पे मीट करती है, इसका मीनिंग क्या है, इस क्वार्टिक में जो x की वैल्यू है वो टेंस टू क्या होगी, इन्फिनिटी। दोनों जो वैल्यू में x की वो टेंस टू इन्फिनिटी होगी। तो आपने क्वार्टिक में पढ़ा होगा कि किसी भी क्वार्टिक के दोनों रूट अगर क्या हो इन्फिनिटी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में बहुत रूट था टेंस टू इन्फिनिटी, तो उसमें कंडीशन होती है शायद a इक्वल टू b इक्वल टू 0, a और b 0 होने चाहिए, c आपका नॉन जीरो होना चाहिए, आप देखना सभी। तो उससे जब करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको a और b में रिलेशन मिलता है आपको, मतलब सिंपल सी बात है, आपको उससे इन एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिलती है और इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए जो एसिम्प्टोट्स हैं उनको जब कैलकुलेट करते हैं अपन तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे इक्वेशन थोड़ी ना, ये दोनों की कंबाइंड इक्वेशन है, एक एसिम्प्टोट्स इधर होती है और एक एसिम्प्टोट्स आपकी इधर होगी और ये दोनों एसिम्प्टोट्स आपकी पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ दी हाइपरबोला, मतलब ये ओरिजिन से पास होती है, समझे मेरी बात को। तो जो हाइपरबोला है और एसिम्प्टोट्स है उसमें केवल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, बस ध्यान रखना इधर 1 इधर 0 आ रहा है। तो ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो दोनों एसिम्प्टोट आप सेपरेट भी कर सकते हो, ये उनकी कंबाइंड इक्वेशन है PSL की फॉर्मेट में, पेयर ऑफ स्टेलन की फॉर्मेट में। और आप सिंपल सी बात है, दोनों लाइनों को सेपरेट करो तो दोनों का स्लोप मिल जाएगा आपको, तो आप टेन थीटा से आप इन दोनों एसिम्प्टोट के बिटवीन एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरा मानना ये कि आप दोनों के बिटवीन जो एंगल है थीटा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन, ये एसिम्प्टोट्स के बिटवीन एंगल का फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स b अपॉन। इसके बाद आपको चीज सेट थीटा बाय 2, तो देखो पहले 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा बाय 2 क्या आ गया, tan इनवर्स b अपॉन, तो tan को इधर लेके आओगे इनवर्स को तो tan थीटा बाय 2 होगा बेटा b बाय a, tan थीटा बाय 2 पता है तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल से इजीली sec थीटा बाय 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये b है ये a होगा तो ये क्या जाएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, बोलो हाँ है ना, ये एंगल कितना था थीटा बाय 2, यस। तो sec cos थीटा बाय 2 तो a अपॉन दिस, तो sec थीटा बाय 2 दिस अपॉन दिस, सिंपल तो लिख देते हैं, इससे क्या दिक्कत है। इससे आपको मिली क्या, sec थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी बोलो, अंडर रूट दिस अपॉन ए, चलो सेपरेट लिखो एक बार, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और इस न्यूमेरेटर में ए स्क्वायर को बाहर लोगे तो ए कैंसिल, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखो क्या है, ये अंदर एसेंट्रिसिटी है इसकी, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हाइपरबोला की, ठीक है। तो जो sec थीटा बाय 2 इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी बोलो, इसकी एसेंट्रिसिटी के इक्विवेलेंट, तो इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12,
अब क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के, ठीक है। क्वेश्चन 12 में क्या बोलोगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारी आपको टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, कि आपको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला गया है कि दी फोकस ऑफ दी पैराबोला दिस पार्ट इज जीरो, आपको एक पैराबोलिक इक्वेशन गिवन है तो इसका जो फोकस है वो देखना है 1.3 होगा क्या, तो क्या करें इसको अपन इजीली, भाई सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर की टर्म में और वाई की पावर 1 है, तो इसको अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्मेट में। तो देखो मतलब इसको एक्स में बनाना परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लो -2x और एक 1 ले लो इसमें से, तो इक्वेशन किसकी बन जाएगी, चलो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना ना, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, तो क्या रहेगा -4+8, इसको उधर ले आओ तो 4y-8, तो फाइनली आ गया कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन, इसको 4 कॉमन लोगे तो क्या होगा ये y-2, इसको लिखना है कैपिटल एक्स, तो ये कौन सी फॉर्मेट है, सॉरी ये फॉर्मेट होगी आपकी कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 4ay है इसका डायग्राम होगा अपवर्ड पैराबोला ये वाला, इसके केस में इसकी जो फोकस है वो होगी क्या, दिस पार्ट 0.a, मतलब 0.a, 4a आपका 4 है तो a आपका आ गया 1, क्या आ गया 0.1, बात को सुनना ढंग से, ये 0.1 इस कैपिटल x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फोकस है, अपन को स्मॉल x y की बात की गई है, मतलब कैपिटल x आपका 0 है तो कैपिटल x की वैल्यू 0 है तो देन कैपिटल x को लोगे x माइनस 1 तो इससे स्मॉल x क्या होगा 1, सिमिलरली कैपिटल y आपका 1 है और कैपिटल y की वैल्यू क्या थी y माइनस 2 तो y माइनस 2 लोगे तो स्मॉल y क्या होगा बेटा 3, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो आपका ओरिजिनल पैराबोला है उसकी जो फोकस है वो होगी 1.3, यस, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको इजीली कर सकते हो आप, चलो इसको हटा देते हैं, तो एक आंसर तो आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। फिर बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन में बोला गया आपसे क्या कि सम ऑफ द फोकल रेडियस ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स दिस पार्ट 6, इस इलिप्स पे कोई भी एनी पॉइंट पी है उसकी फोकल रेडियस का सम, फोकल रेडियस का मीनिंग क्या सुन लो एक बार सभी, कि जैसे लेट ये आपका इलिप्स है इस पे एनी पॉइंट आपका पी है, फोकल रेडियस का मीनिंग क्या कि जो ये फोकस इज है S1 S2 पे इलिप्स पे एनी पॉइंट की दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का समय इनको बोलते हैं फोकल रेडियस, फोकस से पॉइंट की डिस्टेंस, तो आपको क्या चाहिए दोनों फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस, तो उसको लिखते हैं S1P प्लस S2P, तो आपको ये पता होना चाहिए ये पैराबोला इलिप्स की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी है, सेकंड डेफिनेशन कि पैराबोला पे किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम अगर 2a के इक्वल हो तो देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स की सेकंड डेफिनेशन है कि एक पॉइंट की 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए 2a के इक्विवेलेंट, तो उस पॉइंट का जो लोकस है वो ऑलवेज क्या होगा इलिप्स होगा बेटा, तो इस पॉइंट की दोनों फोकाई से डिस्टेंस है इनको बोलते हैं फोकल रेडियस का समेशन, और ये आपको पता होगा कि इलिप्स के अंदर ए बी से ग्रेटर हो तो पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस है उसको 2a लेना है, और अगर बी ए से ए लेस देन बी हो तो फिर क्या लेते हैं 2b, तो अपना जो क्वेश्चन है उसमें ए ग्रेटर देन बी है तो देन आपको क्या लेना है 2a, तो 2a लोगे तो इसके अकॉर्डिंग जो फोकल डिस्टेंस का समय वो क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, और आप उनको ऑप्शन में गिवन है 6 तो गलत होगा, ठीक है, जल्दीबाजी बच्चे गलती कर देते हैं कि 2b लिख दो आंसर क्या दिक्कत है, ठीक है, तो a b से ग्रेटर है तो s1p plus s2p को 2a लेना है और a less than b है तो s1p plus s2p को बेटा 2b लेना है, ठीक, चलो तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग होगा, हटा दें इसको, चलो फिर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन क्या करो कि लोकस ऑफ दी पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम 1.2 इज इक्वल टू, मतलब एक पॉइंट पी का लोकस देखना है वो क्या होगा उस पॉइंट पी की 1.2 से जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू किसकी इक्विवेलेंट है ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन ऑफ दिस पार्ट, एक पॉइंट की पॉइंट पी की गिवन पॉइंट से डिस्टेंस
उस पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस की डबल है, तो बताओ उसका लोकस क्या हो सकता है। देखो उसको ज्योमेट्रिकली समझो, पॉइंट तो 1.2 दे रखा है और लाइन आपको, चलो इसको लिख लेते हैं। देखो ये लाइट आपको एक लाइन गिवन है जिसकी इक्वेशन है बेटा 2x - y + 4 = 0। बात को सुनना, देखो अपन जनरली क्या करते हैं, इधर देखो एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई की और एक फिक्स्ड पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, पॉइंट पी की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब एस पी अपॉन पी एम, पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट की फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो उसका जो लोकस है वो कोनिक सेक्शन होगा बेटा। एक पॉइंट की गिवन पॉइंट से डिस्टेंस और गिवन स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो अगर कांस्टेंट है तो उसका लोकस होगा कोनिक सेक्शन। और इसमें कंडीशन क्या पढ़ते हैं कि इसेंट्रिसिटी अगर 1 से लेस है तो फिर एलिप्स लेते हैं, इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर है तो आप हाइपरबोला लेते हो, इसेंट्रिसिटी अगर 0 हो तो वो सर्किल बन जाएगा और इसेंट्रिसिटी नॉट डिफाइंड हो तो वो पैराबोला लेते हैं। मतलब इस पैराबोला की इसेंट्रिसिटी नॉट डिफाइंड, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होती है इस केस में, ठीक है। तो देखो अपन इस थ्योरी की बात करते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक लाइन गिवन है 2x - y + 4 = 0 और जो पॉइंट है वो क्या था, बोलो 1.2। तो चलो मैंने जल्दीबाजी में पॉइंट ये मान लिया 1.2, सॉरी चलो पहले पॉइंट पी लिखते हैं कि एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी की एक गिवन पॉइंट है 1.2, इससे डिस्टेंस पॉइंट की 1.2 से डिस्टेंस और पॉइंट की इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, मतलब पीएस की जो वैल्यू क्या बोलिए ट्वाइस ऑफ पीएम, बोलो हाँ ना, ये बोला है ना कि पॉइंट की पॉइंट पी की गिवन पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पॉइंट की स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिस है, इसके अकॉर्डिंग तो आ गया पीएस अपॉन पीएम आपका 2 है, मतलब इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर है, तो देन फटाफट आंसर आ गया पैरा हाइपरबोला। क्या आ गया बोलो, हाइपरबोला। बट आप ये इस कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन में एक बात को ध्यान रख रहे कि जो फोकस है, ये जो फिक्स पॉइंट है, डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स पॉइंट को तो बोलते हैं फोकस और फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर ये फिक्स पॉइंट आपका डज नॉट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स तो 100% इसका जो लोकस है वो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन इसेंट्रिसिटी। और अगर बाई चांस फोकस ये फिक्स पॉइंट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, अगर ये अल्फा कोमा बीटा इस लाइन पे लाई करता है तो उस केस में इसका जो लोकस है वो ऑलवेज क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होती है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। बात को सुनना ढंग से, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होगी वो आप देख लो सभी, इधर देखो ये सिंपल सी बात है, पॉइंट पी इधर होगा ना, तो देखो इस पॉइंट पी को आप ऐसे कहीं भी लेके जाओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिक्स है तो ये इधर की तरफ मूव कर सकता है और पॉइंट पी इधर हुआ तो देखो ये दो पॉइंट को इधर की तरफ लोगे तो ये ऐसे बनेगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे होती जाएगी, ठीक है, इक्वल। इधर लोगे तो ये ऐसे जाएगा, तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो गया, टू लाइंस का फॉर्म, मतलब पीएसएल बनेगी आपकी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये थोड़ा ध्यान रखे, जब भी ऐसी कंडीशन गिवन हो कि पॉइंट की गिवन पॉइंट से डिस्टेंस और उस पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो गिवन है आपको, तो फटाफट आंसर कोनिक सेक्शन मत लिख देना इसेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंग। पहले आप ये जरूर चेक करें कि जो पॉइंट है वो लाइज ऑन दी लाइन, जो लाइन गिवन है उस पे वो पॉइंट अगर लाई करता है तो उस केस में लोकस ऑलवेज क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। चलो तो फिर अब देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या आना चाहिए। हाँ, इसने बोला गया था इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस पी फ्रॉम दी लाइन इस पार्ट इज हाइपरबोला, मतलब इस पॉइंट पी का लोकस क्वेश्चन में बोला है हाइपरबोला, नहीं गलत है, इसका आंसर आना चाहिए लोकस ऑफ दिस पार्ट इज स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकता है। चलो तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग था, फर्स्ट करेक्ट था। चलो एक बार फोर्थ ऑप्शन को और देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन तो सिंपल है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स दिस पार्ट, चलो 6 से कर दो डिवाइड, तो सिंपल पार्ट आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आपको एक छोरी जो पार्ट है वो ढंग से याद होना चाहिए एलिप्स पैराबोला के अंदर। तो देखो
ए आपका बी से ग्रेटर है तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या लगता है, अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका टू अपॉन थ्री, तो वन माइनस वन बाई थ्री इज वन बाई रूट थ्री, यस, तो इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होगी वन बाई रूट थ्री, तो ये इस ऑप्शन में आपको गिवन है, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। बच्चे जल्दीबाजी में थर्ड ऑप्शन को तो कम से कम लिख ही देते हैं कि यार ये सब कुछ तो सही है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या क्वेश्चन है पढ़ो, इफ 5,12 एंड 24,7 आर फोकाई ऑफ ए कोनिक, एक कोनिक सेक्शन है उसकी टू फोकाई गिवन है आपको पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और जो कोनिक सेक्शन है वो आपका ओरिजिन से पास होगा, देन दी इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक इज, तो सिंपल सी बात है आपको एक कोनिक सेक्शन की टू फोकाई गिवन है, तो वो कोनिक या तो इलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें दोनों केस आपको लेट करने पड़ेंगे, अगर ये टू फोकाई है तो जो कोनिक सेक्शन है वो क्या होगा, या तो इलिप्स होगा या हाइपरबोला, तो चलो अपन पहले इलिप्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, चलो ये लेट आपके हाइपरबोला की सॉरी इलिप्स की टू फुकाएं एस वन एस टू, ये लेट एस वन है, ये लेट आपकी एस टू, समझे मेरी बात को, और ये जो कोनिक सेक्शन है इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो इस हाइपरबोला पे कोई भी एनी पॉइंट लेट कर सकते हैं ना, तो उसने एक पॉइंट जीरो जीरो गिवन है, तो इसको चलो मैं पॉइंट पी लेट कर लेता हूं, क्या दिक्कत है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग, तो अगर आपने इसको इलिप्स लेट किया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको इसकी सेंट्रिसिटी चेक करनी है, अगर इसको हाइपरबोला लेट करोगे तो आप अगेन हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करना है। देखो अब तो सिंपल आप इलिप्स की डेफिनेशन यूज करें कि इलिप्स पे एनी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस का जो समेशन है, मतलब पी एस वन प्लस पी एस टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस ऑफ ए, तो सिंपल सी बात है ओरिजिन से एस वन की डिस्टेंस कैलकुलेट करो, ओरिजिन से एस टू की डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो पॉइंट जीरो जीरो की 5,12 से डिस्टेंस की बात करोगे आप, अगर आप इसको 5,12 लेते हो तो 13 आ गया ना, 25 और 144, तो एस वन पी तो आ गया आपका 13 प्लस 24 और 7 की बात करते हैं, ये तो देखना पड़ेगा याद नहीं मेरे को, हाँ 27 का स्क्वायर कितना था, 576 आता है शायद, 49 ये लो 625 का मतलब 25 आ गए, चलो सिंपल हो गया फिर तो पी एस वन पी एस टू 13 एंड 25 है, तो एस पी या पी एस वन पी एस टू टू ही होगा, तो इससे क्या आ गया 25 और 13 38 ए आ गया 19, सही है क्या, सही होगा और क्या, अब आपको ए पता है, हाँ उसके बाद इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो जो फुकाए है इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है ऑलवेज 2ae, जो s1 s2 है इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखते हैं 2ae, तो चलो ये तो 2ae आ गया इक्वल टू, हाँ ये 2 ये s1 s2 जो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो चलो ये रफ में कर लेते हैं, अलग से क्या दिक्कत है, 24 माइनस 5 करोगे तो 19 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 इज 5 का स्क्वायर इज 25, इसकी स्क्वायर को कैलकुलेट करो फटाफट, क्या आएगा 19 का स्क्वायर कर लो ना 20 माइनस 1 का स्क्वायर फटाफट हो जाएगा और क्या, ये लो तो 400 प्लस 1 माइनस 40, 400 माइनस 40 कितना होता है 360, 361 आ गया शायद, कुछ गलती की है क्या देखना, तो 361 तो ऑप्शन में है नहीं ना कहीं, एक मिनट को 7, 5, 12, 25 आ गया ना, फिर ये भी तो ऐड करना 25, ये आ गया 461 और ये ऐड करो तो आ गया 386, ये सही है, मतलब जो 2a ये है इसकी वैल्यू मिली आपको 386 का अंडर रूट, क्या होगा 386 का रूट, 2a आपका कितना था 38, तो इसकी सेंट्रिसिटी मिली आपको अंडर रूट 386 अपॉन 38, तो अगर आप इस कोनिक सेक्शन को इलिप्स सेलेक्ट करते हो तो उसकी सेंट्रिसिटी क्या होगी दिस पार्ट, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अगर अपन इसको हाइपरबोला लेट करते हैं तो हाइपरबोला की सेकंड डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है कि हाइपरबोला पे एनी पॉइंट की
बोथ फोकस से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, मतलब S1P माइनस S2P का जो मोड है वो आपका अगेन 2A के इक्विवेलेंट होगा। बाकी दोनों फोकाई के डिस्टेंस का फॉर्मूला तो अभी भी आपका 2A ही होगा। तो सिंपल सी बात है, बस नई चीज क्या मिली कि जो 2A है वो क्या होगा, S1P माइनस S2P। 25 माइनस 13 कितना का 12 आ गया ना, मतलब 2A की वैल्यू 12 है, तो 2A को 12 हो गए, तो अगेन जो हाइपरबोला है उसकी सेंट्रिसिटी होगी रूट 386 अपॉन 12। समझे मेरी बात को? तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो ये तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी है और ये हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी होगी, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन की जो सेकंड डेफिनेशन है इलिप्स हाइपरबोला में, वो आप ढंग से याद रखें, तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन है? इक्वेशन दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स ए हाइपरबोला। ये जो आपको सेकंड डिग्री की इक्वेशन गिवन है, ये एक हाइपरबोला को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो देन आपको लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक जनरल इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c0, ये आपको याद होगी सबको, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो आप कंडीशन क्या लिखते हो, एच स्क्वायर माइनस ab आपका 0 होना चाहिए। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन में अगर एच स्क्वायर माइनस एबी 0 है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी, इक्वल टू 0 है तो पैराबोला होगी, और एच स्क्वायर माइनस एबी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो चलो इसके अकॉर्डिंग देखते क्या होगा। एच का मीनिंग एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, तो माइनस 2 का हाफ इज लैम्डा, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लैम्डा प्लस 2, और बी का मीनिंग वाई का कोफिशिएंट इज लैम्डा माइनस। चलो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, करो मल्टीप्लाई, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा अगेन लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज लैम्डा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो फाइनली आ जाएगा लैम्डा लेस देन 2, मतलब इसका जो आंसर है वो 2 से लेस होना चाहिए। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है तो लैम्डा 2 से लेस है, तो अगर इतना ही सॉल्व करोगे आप कि हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर माइनस एबी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका थर्ड फोर्थ और सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा, बट ये बेटा इसका रॉन्ग आंसर है। क्यों? ये ध्यान रखना है कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है, अगर वो पेयर ऑफ स्टील एंड को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट दी इक्वेशन ऑफ पीएसएल पेयर ऑफ स्टील एंड, तो फिर अपन लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा का मीनिंग पता होगा, या तो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में याद रखें एबीसी एचजीएफ और अगेन एचजीएफ, ये सिंपल मेथड है, या फिर डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो आप क्या आता है एबीसी प्लस एचजीएफ माइनस एएफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सीएच स्क्वायर, ऐसे याद कर लो वो भी बेटर है। डेल्टा की वैल्यू होगी एबीसी प्लस 2fgh माइनस एएफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सीएच स्क्वायर, मेरे को तो कम याद रहती, मैं तो ऐसे याद करता हूं उसको कि डेल्टा का आराम से स्प्लिट कर दो, क्या दिक्कत है, एक सेकंड लगती है एक्सपेंशन करने में। तो एक कंडीशन और यूज करोगे कि अगर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है तो इस केस में हाँ पीएसएल में तो डेल्टा 0 होगा और रिमेनिंग सर्किल हो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला चारों में से कुछ भी हो, उन चारों के केस में डेल्टा आपका नॉन जीरो होना चाहिए, सर्किल पैराबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला, तो डेल्टा आपका नॉन जीरो होना चाहिए। समझ में बात सबको? तो सिंपल सी बात है, इसमें एक कंडीशन और यूज करोगे कि अगर ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, हाइपरबोला तो बात की बात करना, अगर ये कॉनिक सेक्शन है तो उसका डेल्टा नॉन जीरो करना है, तो जब इसमें आप एबीसी की वैल्यू पुट करोगे, ए को पुट करना लैम्डा प्लस 2, बी को पुट करना लैम्डा माइनस 1, सी को पुट करना माइनस 2, एच को पुट करना माइनस लैम्डा, जी को पुट करना है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ माइनस 2, एफ को पुट करना 0। ये पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करते हो तो इसमें ये सॉल्व करने घर पे आएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू 4/3, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। मतलब अगर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दी कॉनिक सेक्शन पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला और या सर्किल बोल दो आप, सर्किल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों कोएफिशिएंट कभी सेम आ ही नहीं सकते, ये कोएफिशिएंट सेम लाने और ये जीरो लाना है तो लैम्डा जीरो आना चाहिए, और लैम्डा को जीरो पुट करोगे तो एक्स और वाई दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, तो इक्वेशन सर्किल की तो हो ही नहीं सकती। समझे मेरी बात को? तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 4/3 होगा तो ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और कॉनिक सेक्शन आपका हाइपरबोला होना चाहिए, तो फिर आप ये कंडीशन यूज करोगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन लगाना मस्ट है,
तो फिर 2 से लेस लेना है और 4 बाई 3 को लेट नहीं करना है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ओनली 4th एंड सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा, ठीक है, तो ध्यान रखें बेटा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है। इफ दी लाइन 2x प्लस 9y प्लस k इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू दी हाइपरबोला दिस पार्ट देन फाइंड k, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इस हाइपरबोला के लिए क्या नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, तो देन आपको k की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो एक बात सुने सभी, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और नॉर्मलिटी है ये इलिप्स सॉरी पैराबोला में तो आप याद रखें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू a / m और इक्वेशन नॉर्मल क्या याद करें y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यू, तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी क्या होगी c इक्वल टू माइनस 2am माइनस k am क्यू। ऐसे ही इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को तो इजीली याद कर लेते हैं, बट इलिप्स हाइपरबोला में कंडीशन नॉर्मलिटी है उसको याद करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो याद करनी भी नहीं है अपन को, ठीक है। तो जब भी इलिप्स और हाइपरबोला में बाय चांस नॉर्मलिटी की बात करता है या नॉर्मल की बात करता है तो आप इक्वेशन नॉर्मल तक याद रखें, उसके बाद अगर कुछ करना है तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करें क्वेश्चन को, जल्दी हो जाएगा उससे बेटर। तो अपन इसको प्रोसीजर से करेंगे, देखो क्या करना है, ग्राफ ये लाइन एक हाइपरबोला की ब्रांच है और ये जो लाइन है ये इसकी नॉर्मल है ऐसे, तो ये इसकी नॉर्मल है तो इसका स्लोप आपको गिवन है m इक्वल टू माइनस की 2/9। बात को सुनना ढंग से, क्या करो आप ऐसे करो, आपको ये आना भी चाहिए कि आपको इक्वेशन नॉर्मल को फाइंड करना है तो इस नॉर्मल की इक्वेशन के लिए इसका स्लोप और इस पे ये निकालो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को लेट करता हूँ एक्स वन कॉमा, इस पॉइंट को लेट करो एक्स वन कॉमा वाई वन। अभी पॉइंट है इस हाइपरबोला पे, तो सबसे पहले लोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे, t इक्वल टू जीरो, t जीरो का मीनिंग x x1, तो 3x x1 माइनस y y1 इक्वल टू 20। ये क्या है, इस टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट का स्लोप तो क्या आ गया माइनस 3x1 अपॉन माइनस के वाई, मतलब टेंजेंट का स्लोप है इसमें 3x1 अपॉन वाई। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बेटा, 3x1 अपॉन वाई। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा माइनस वाई वन अपॉन थ्री एक्स वन, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा माइनस वाई वन अपॉन उल्टा और नेगेटिव, ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, नॉर्मल का स्लोप गिवन है माइनस के टू वाई थ्री, कर दो माइनस के टू वाई थ्री। इतना करने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, तो ये आ गया वाई इक्वल टू टू एक्स वन। लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बात बताएं, ये एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट मिल गया आपको, आपको के तो चाहिए ना, x1 y1 lies on the straight line या normal end this hyperbola, मैं दोनों में put कर सकता हूँ, तो इस point x1 y1 को इसमें put करूँ तो क्या आ गया 2x1 plus 9y1 plus k0, मतलब आपको x1 y1 की value को put करना है तो आपको k की value find out हो जाएगी। अगेन ये जो point x1 y1 lies on the hyperbola, put कर दो hyperbola में, तो क्या जाएगा बोलो 3x1 square minus y1 square equal to 23, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, तो पॉइंट को पहले आपने स्ट्रेट लाइन में पुट किया, नॉर्मल की इक्वेशन पुट किया, अब मैंने इस पॉइंट को अगेन पुट किया हाइपरबोला की इक्वेशन में। अब देखो इस इक्वेशन को और इस फर्स्ट इक्वेशन को सिंपलीफाई करके आप क्या करो x1 y1 को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो k वेरिएबल है तो इसको छोड़ो अभी आप, तो सेकंड और फर्स्ट को जो सिंपलीफाई करोगे तो आप वी विल गेट x1 y1, और बाद में जब x1 y1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे ना तो k की आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन यही है, y1 को मैं पुट कर सकता हूं 2x1, तो कितना जाएगा बताओ 3x1 square minus k 4x1 square equal to 23, तो then minus x1 square, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी कुछ मिस्टेक की, एक बार देखो आप इसमें, हाँ टेंजेंट का स्लोप था माइनस के 2/9, तो बेटा नॉर्मल का स्लोप उल्टा हो जाएगा माइनस के 9/2, ठीक है सॉरी प्लस के 9/2, क्या होगा प्लस के 9/2, क्योंकि ये तो x1 नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, चलो इसको थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं, ठीक है। तो m आपका 9/2 है, तो इधर 9/2 फिट कर दें इसको, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया कुछ, ठीक है। तो ये लोगे आप
तो सिंपल सी बात है, इससे वाई वन की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी, माइनस के 27y। ठीक है, इस वाई वन की वैल्यू को आपको पुट करना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग करना। वाई वन की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो देन वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ एक्स वन। इसमें एक्स वन स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको, तो एक्स वन की टू वैल्यू होंगी, ध्यान रखना एक्स वन की टू वैल्यू होंगी बेटा, ये कर सकते हो आप, इजीली, टफ नहीं है, बस 27 का स्क्वायर करना, बाकी कुछ नया नहीं। एक्स वन की टू वैल्यू जो है, आप एक्स वन की फर्स्ट वैल्यू पुट करो इसमें तो y1 की आपको फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, और बाद में x1 y1 को पुट कर देना इस इक्वेशन नंबर थर्ड में तो k की एक वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली जब x2 की सेकंड वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो अगेन आपको y1 की, x1 की सेकंड वैल्यू पुट करो तो देन y1 की सेकंड वैल्यू होगी, और इसको अगेन थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो k की नेक्स्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी बेटा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो मेरे को जो याद है वो प्लस माइनस 24 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करना। ठीक है, तो जब भी नॉर्मल का क्वेश्चन आए ऐसा तो कुछ नहीं करना, इस सिंपल पैटर्न इसको फॉलो करो, आप पॉइंट लेट करो, टेंजेंट का स्लोप लिखो, नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। नॉर्मल की क्वेश्चन के बिना तो फटाफट आप उस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16, हाँ पढ़े सभी। सर्किल आर ड्रॉन ऑन कॉर्ड्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पैरेलल टू दी लाइन वाई इक्वल टू एक्स एज डायमीटर ऑल सच सर्किल पासिंग थ्रू दी टू फिक्स्ड पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर। क्वेश्चन का मीनिंग क्या देखो, आपको बोला गया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसकी जो कॉर्ड्स हैं वो कॉर्ड्स लाइन वाई इक्वल टू एक्स के पैरेलल हैं। एक बात तो ये बोली गई है कि ऑल कॉर्ड्स आर पैरेलल टू दी लाइन वाई इक्वल टू एक्स टू दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस पार्ट, और बाद में क्या बोला गया, इस कॉर्ड की जो कॉर्ड है आपकी उसकी लेंथ को अगर आप सर्किल का डायमीटर लेट करते हो, जो सर्किल है वो क्या है, उन कॉर्ड का डायमीटर है, जो सर्किल है कॉर्ड जो उसकी कॉर्ड है वो सर्किल का डायमीटर है, तो देन आपको बताना है कि जो सर्किल्स हैं वो टू फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हैं, तो बताओ वो फिक्स्ड पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब सर्किल्स आपके टू फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हैं तो इसका मीनिंग है कि जो सर्किल्स है वो फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन है। तो फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन अपन क्या लिखते हैं, एस वन प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो या एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। बात तो सुनो इधर, ये लाइट ये सर्किल है और ये लाइन इसको अगर इंटरसेक्ट करती है, ये फिक्स्ड सर्किल है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है एल और एस, तो इन दोनों पॉइंटों के इंटरसेक्शन से डॉटेड जो सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी सर्किल्स हो सकते हैं। तो इन डॉटेड सर्किल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन्हीं को बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, और इन डॉटेड सर्किल का जो की जो इक्वेशन है उसको क्या लिखते हैं, एस प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो जो फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन है उसको आप किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे, एस प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो। आफ्टर दैट क्या करना है, एस इक्वल टू जीरो का मीनिंग सर्किल की इक्वेशन को जीरो करना है और लाइन की इक्वेशन को जीरो करना है, और इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होते हैं आपके फिक्स्ड पॉइंट। बस ये इस थ्योरी को यूज करना है इस क्वेश्चन में, इस टाइप से आप फिक्स्ड पॉइंट को कर सकते हैं फाइंड आउट। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे लेट ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये इसकी कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड लिया आपने, फिर इससे सर्किल बनाओगे, फिर अगेन दूसरी कॉर्ड होगी, फिर दूसरा सर्किल बनेगा, तो जितने भी सर्किल है ये ओनली टू फिक्स्ड पॉइंट से पास होते हैं, तो देन आपको फिक्स्ड पॉइंट को करना है फाइंड आउट। तो देखो कैसे करोगे, जरा समझ में आ गया सबको, तो चलो एक काम करते हैं। हाँ ध्यान रखना जो कॉर्ड है वो y इक्वल टू x के पैरेलल है, तो कॉर्ड अगर y इक्वल टू x के पैरेलल है तो मैं कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूं, लेट y इक्वल टू x प्लस c, बस पैरेलल लाइन लेट कर दो ना y इक्वल टू x प्लस c, तो ये आपने कॉर्ड लेट की, ये कर सकते हो, या फिर उससे भी बेटर ऑप्शन हो रहा है, इसमें तो क्या करना पड़ेगा, ये आपका हाइपरबोला है, ये कॉर्ड लेट की आपने, फिर इन दोनों पॉइंटों को डायमीटर लेट करके आपको सर्किल की इक्वेशन को करना फाइंड आउट, और उस सर्किल की इक्वेशन में सी आपका वेरिएबल है, तो आप 100% इसको दिस फॉर्मेट में कर सकते हो कन्वर्ट, तो उससे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। सी मत लेट करना, सी ऑलरेडी क्वेश्चन में कुछ लैम्डा लेट कर लेंगे इसमें। ठीक है, एक मेथड तो ये, इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंटों को लेट करो x1 y1 x2 y2, फिर डायमीटर फॉर्म में आप इक्वेशन लिखो सर्किल की,
और जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ चार चीज मिलती है, x1 + x2 x1 x2 y1 + y2 y1 y2। इनकी वैल्यूज के लिए क्या करो, एक बार y की वैल्यू पुट करो सर्किल में तो x में बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देन आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से x1 + x2 और x1 x2 की वैल्यू को पुट कर सकते हो। फिर क्या करना, y में क्वाड्रेटिक बनाओ तो y1 + y2 y1 y2 की वैल्यू पुट करो। फिर उसके बाद उसको आप इजीली इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उनका फिक्स पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। और उससे भी सिंपल मेथड क्या है मेरे को, देखो जरा अपने काम करते हैं। ये जो हाइपरबोला है ये इसकी कोड है, इस पे जो पॉइंट है ना वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट करो। क्या लेट करें बोलो, C T1, C T1 और पॉइंट बी लेट करो C T2, C T2। सबसे पहला काम तो मैंने ये टू पॉइंट लेट किए इस कोड पे। तो मैं अगर टू पॉइंट ये है तो मैं कोड की क्वेश्चन लिख सकता हूं जी, बट उससे पहले काम करो, T1 T2 टू वेरिएबल है, इसको अपन करते पहले सिंगल वेरिएबल में। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो ये कॉर्ड्स हैं वो पैरेलल टू दी लाइन y = x, तो इस y = x का स्लोप 1 है ना, और ये पैरेलल है तो इनका स्लोप भी क्या होगा 1। तो चलो पहले 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप को 1 करो, तो उससे आपको t1 t2 में मिलेगा रिलेशन। तो देखो स्लोप क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो cy t1 माइनस cy t2 अपॉन दिस माइनस दिस करोगे तो c तो कॉमन आ गया ना, और ये आ गया T1 माइनस T2 इक्वल टू 1। तो देखो C कॉमन आके कैंसिल, T1 इधर T2 इधर, तो T2 माइनस T1 है और T1 माइनस T2 है, तो T1 T2 को कैंसिल करोगे तो ये जाएगा माइनस 1 बाय T1 T2 इक्वल टू 1, देन T1 T2 होगा माइनस K1। इसको सोल्व करने पे क्या होगा बेटा, T1 T2 इक्वल टू माइनस K1, जो T1 T2 की वैल्यू होगी माइनस K1। फिर क्या करना है, देखो एक काम करो ना, इसको सिंगल वेरिएबल में लाना है तो या तो अभी काम करो T2 की जगह पुट कर दो माइनस K1 / T1, या फिर एक काम बाद में करना, अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज A और B। मेरी बात को सुनो, ये कोड ड्रॉ किया आपने, A और B पॉइंट को लेट किया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में, फिर AB का जो स्लोप है वो 1 के इक्वल करना है, तो T1 T2 आ गया -1। ये करने के बाद आप लिखो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ FCL फैमिली ऑफ सर्किल्स, फैमिली ऑफ सर्किल, अपन फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखोगे डायमीटर फॉर्म में, x - x1, तो x - ct1 into x - ct2 + y - y1, तो cyt1 इंटू y - c2 y2 cy2। ठीक है, ये डायमीटर फॉर्म में आपकी सर्किल की इक्वेशन है। इसको अरेंज करो आप, x * x तो क्या होगा x² माइनस, देखो ct1x - c2x - देखो x को करना है इसको और x से करना है इसको, तो माइनस के ct1 + t2 * x जाएगा। मैंने डायरेक्ट ले दिया टाइम बचाने के लिए, और क्या मिला इससे, प्लस c² t1 t2। सिमिलरली जब इसकी बात करो तो y * y² आ गया, माइनस के c कॉमन, y भी कॉमन, और ये आ गया 1 / t1 + 1 / t2 y, और लास्ट में आ गया प्लस c² / t1 t2 0। बोलो हाँ है ना, थोड़ा सही दिखने के लिए इसको हटा देते हैं डायग्राम को अपन। ये फैमिली ऑफ सर्किल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा शायद सबको। चलो जो मेन चीज है वो रखी मैंने, बाकी सब हटा दिया। ठीक है, ये सर्किल की क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो देखो उसमें एक चीज है, T1 T2 को पुट कर दो -1, तो ये -1 होगा और ये भी -1, तो देखो फाइनली क्या गया, तो -1 लेने पे ये माइनस के c² बन गया और ये भी क्या हो गया माइनस के c², तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, तो देखो x² + y²
माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के टू सी स्क्वायर। फिर देखो जब आप इस टी वन टी टू को एलसीएम लोगे तो न्यूमेरेटर में तो आ गया टी वन प्लस टी टू अपॉन टी वन टी टू, और टी वन टी टू को माइनस में लोगे तो प्लस वन बन जाएगा बेटा, तो क्या हो गया प्लस सी टी वन टी टू वाई। और देखो ढंग से इसमें और इसमें माइनस के सी टी वन टी टू मैं ले सकता हूं कॉमन, तो माइनस के सी टी वन प्लस टी टू को जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू, बस इतना समझ गए। तो देखें ढंग से सी कॉन्स्टेंट है ना, तो सी टी वन प्लस टी टू, आपको पता है टी टू की जगह मैं चाहूं तो दोबारा माइनस के वन बाई टी वन ले सकता हूं, तो ये क्या है कॉन्स्टेंट हो गया लैम्डा। तो किस फॉर्मेट में होगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के टू सी स्क्वायर, और इस कंप्लीट पार्ट को लैम्डा लेट करोगे तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो। तो जब भी आपको फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन लिखनी है तो आपका यही मोटिव होना चाहिए कि उस इक्वेशन में एक सिंगल पैरामीटर लाओ, आफ्टर दैट उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो में। तो ये एस है प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो, तो एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो क्या इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल्स, और देन देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस पार्ट जीरो एंड दिस पार्ट जीरो का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको जीरो करोगे तो आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसको जीरो करने से मिल गया वाई इक्वल टू एक्स। तो सिंपल सी बात है, वाई को एक्स लोगे तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर, तो देन एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस सी, तो एक्स को सी लोगे तो वाई भी सी होगा, और एक्स को माइनस सी लोगे तो वाई भी बेटा माइनस सी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हाँ सी कॉमा सी और माइनस सी कॉमा माइनस सी, तो इसका फर्स्ट और फोर्स्ट ऑफ फोर ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बेटा इसका सही होगा। ठीक चलो, तो ठीक क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए फैमिली ऑफ सर्किल का। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। हाँ 17 क्वेश्चन पढ़ो, इफ फोकस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वन कोइंसाइड विद द फोकस ऑफ दिस पार्ट एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज टू, मतलब इस हाइपरबोला और इस इलिप्स की जो फोकाई है वो कौन साइड है, मतलब वो एक ही है, कौन साइड कभी नहीं, वो दोनों एक ही हैं, तो मतलब इस हाइपरबोला की जो फोकाई है वो क्या होगी ए कोमा जीरो, हाइपरबोला की फोकाई है, और इलिप्स की जो फोकाई है वो क्या होगी अगेन ए कोमा जीरो, दोनों की फोकाई सेम है। तो बात को सुनो, अपन को हाइपरबोला इलिप्स की क्वेश्चन गिवन है, तो इलिप्स की फोकाई तो क्या होगी ये तो इसका फाइव एंड एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करो रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन 25, तो 16 है तो 4 बाई 5 आ गया, तो चलो ए आपका 5 है ई आपका 4 अपॉन 5, तो देखो इस केस में जो इलिप्स है उसकी फुकाई क्या है 4,0, सही है ना, इलिप्स की फुकाई 4,0 है, तो इलिप्स और हाइपरबोला की फुकाई क्या कोइंसाइड है, इसका मतलब इस ए की वैल्यू आप 4 ले सकते हो, तो इससे आगे ए इक्वल टू 4, ये जो ई है वो क्या है इलिप्स हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी है। चलो एक तो ये आ गया, और कुछ बोला गया क्या इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला टू, ये लो इलिप्स की जो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी वो आपको 2 गिवन है, तो चलो इससे ए भी आपका 2 आ गया, कार्यक्रम फिनिश। हाइपरबोला पे ए 2 पता है इसेंट्रिसिटी पता है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो देन देखो ई स्क्वायर आ गया 4 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 और 1 3 12, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12, बी स्क्वायर 12 है ए आपका 2 है, तो देन आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 12 इक्वल टू 1, ये आपके हाइपरबोला की क्या होगी इक्वेशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं इसमें आपसे ओनली हाइपरबोला की बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 16, यस 12 4 16, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेंटर ऑफ दी हाँ नो डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला, देखो सुनो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, बात को सुनना ढंग से, एलिप्स
की जो इक्वेशन है आपकी सिलेंडर उसका जो डायरेक्टर सर्किल है वो क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हाइपरबोला का, इस हाइपरबोला के लिए जो इसका डायरेक्टर सर्किल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसमें कंडीशन होती है ब्रैकेट में ए ग्रेटर देन बी। ए अगर बी से ग्रेटर है, मैं बात कर रहा हूं इस हाइपरबोला की, कंजुगेट हाइपरबोला में अलग आंसर होगा, तो इस हाइपरबोला के लिए इसका जो डायरेक्टर सर्किल है वो दिस होगा, ठीक है, कब ए ग्रेटर देन बी है। इसी के अंदर बाय चांस अगर ए लेस देन बी हो तो आप क्या लिखोगे, नो डायरेक्टर सर्किल एग्जिस्ट। इस केस में इस हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना बात को। तो देखो हाँ, इसमें उल्टा है, जो ए आपका बी सी लेस है तो इसके लिए नो डायरेक्टर सर्किल ऑफ हाइपरबोला, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सेंटर ऑफ द डायरेक्टर सर्किल जीरो जीरो, गलत आंसर है। जब यार हाइपरबोला का जो डायरेक्टर सर्किल है वो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आप उसका सेंटर लिख ही नहीं सकते ना, तो थर्ड ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा, ध्यान रखना इस बात को। फोर्थ ऑप्शन क्या बोला गया, कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, तो वही कंडीशन कि अगर आपका हाइपरबोला है और अगर कंजुगेट हाइपरबोला है तो दोनों की एलआर अलग होगी, तो हाइपरबोला के लिए लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, अगेन 2b स्क्वायर अपॉन a, a आपका 2 था तो 2 से 2 कैंसिल, तो b स्क्वायर कितना है 12, तो यस इस हाइपरबोला की जो एलआर की लेंथ है वो क्या होगी बेटा 12 होगी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन इज आल्सो, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो इसका फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो उसके बाद देखो 18 क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वर्टेक्स इज लाइज ऑन द हाइपरबोला दिस पार्ट इज लैम्डा, तो देन आपको 7 लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या है कि एक हाइपरबोला गिवन है, उसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, और क्या कंडीशन है कि जो स्क्वायर की साइड है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लेनी है पैरेलल, और जो वर्टेक्स है उनको हाइपरबोला पे लेट करना है, उनकी ब्रांचेज पे लिखना है। तो देखो समझो इसमें ज्योमेट्रिकली होगा क्या बात, बस ये समझ में आ गया ना, उसके बाद तो कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है। जैसे लेट इसका ही हाइपरबोला है, तो एक बात ध्यान रखना सभी, जो हाइपरबोला है वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, क्या होता है ऑलवेज सिमेट्रिक। तो सिंपल सी बात इसमें ये है कि जब आप स्क्वायर को ड्रॉ करोगे तो ऐसे नहीं कि सर ये काम करो ना, हम स्क्वायर को ओनली सिंगल ब्रांच पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिंगल ब्रांच पे स्क्वायर ड्रॉ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि चारों पॉइंट हाइपरबोला की ब्रांच पे डज नॉट लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपन का जो स्क्वायर है उसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको ध्यान में रखोगे ना, तो सिंपल सी बात ये कि जैसे लेट आपने बोला सर एक पॉइंट ये लेट कर लेते, एक पॉइंट बी लेट ये कर लेते, तो इसमें भी मुद्दे की बात ये है कि ये दोनों लेंथ ऑलवेज सेम होंगी, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का जब आप रिफ्लेक्शन देखोगे ना एक्स एक्सिस में तो एजिटे इधर दिखता है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम एक काम करते हैं ऐसे लिख दीजिए लोग, तो ऐसे बना ही नहीं सकते आप, इसका मीनिंग भी यही है कि इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, इसका मीनिंग ये दोनों लेंथ आपकी सेम होगी, ऐसे नहीं कि इस टाइप से बना दिया आपने ये लोग, ये रॉन्ग डायग्राम है। तो सिंपल सी बात ये कि जब भी आप स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो स्क्वायर और हाइपरबोला वो दोनों सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिक होने का मीनिंग है कि जो सर्किल का जो इस स्क्वायर का जो सेंटर है वो इस हाइपरबोला के सेंटर जीरो जीरो के इक्विवेलेंट होगा, समझे। तो इसका जो प्रॉपर डायग्राम है वो देखो किस टाइप से होगा, ऐसे एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और ये आपका हाइपरबोला है, तो प्रॉपर एग्जैक्ट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे यू, मैं आपको समझाऊंगा अगेन, ये ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, दिस केस में ये लेंथ इसकी इक्वल होगी, दिस लेंथ दिस पार्ट की इक्वल, दिस लेंथ की इक्वल, और दिस लेंथ आपका, और जब ऐसा होगा तो इन दोनों का सेंटर सेम होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जब ये सब कुछ सेम है तो भाई ये लेंथ और ये लेंथ, जब ये भाई ये स्क्वायर आपका तो ये आपकी लेंथ ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए, सब कुछ लेंथ ए होंगी आपकी, समझे मेरी बात को। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बोल दिया कि जो आपका स्क्वायर है उसकी ईच साइड की लेंथ है 2a, तो देखो ये लेंथ ए है, ये लेंथ आपकी ए है, तो इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं ना ए को, मैं बोलो आया ना, समझ आ गया,
और सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट ए कोमा ए है तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। ये सब कुछ सिमेट्रिक है, इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको। ये लेंथ ए, ये भी ए है, तो पॉइंट ए कोमा ए है, तो पॉइंट ए कोमा ए लाइज ऑन दी हाइपरबोला। ये जो पॉइंट ए है ये हाइपरबोला पे लाइज करता है, तो आप इस ए कोमा ए को इस हाइपरबोला में पुट करोगे तो आपको इससे ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, स्क्वायर की साइड अगर 2a है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ए, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। बस आपको क्या करना है इसमें, a स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है। चलो a कॉमा a लाइज ऑन द हाइपरबोला, तो क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस अगेन a स्क्वायर अपॉन 16 वन, 16 इधर 9 इधर, तो 16 माइनस 9 7 a स्क्वायर इक्वल टू 16 गुणा 9। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो उसने एरिया लैम्डा बोला है, तो कितना जाएगा 4 16 9 अपॉन 7, 7 को उधर शिफ्ट कर दो क्योंकि 7 लैम्डा की वैल्यू को करना है कैलकुलेट, तो देन 16 गुणा 9 कितना होता है, 36 होता है, क्या सॉरी 16 गुणा 4 36 गुणा 16, तो 16 छिकी 96 6 9 48 9 57, ये लो 7 लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 570। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, ये सिंपल मेथड है। बस ज्योमेट्री तो यही होगी, मेथड दूसरा भी ले सकते हो कि आप इस पॉइंट को पैरामीट्रिक फॉर्म में लेट कर सकते हो, ए sec थीटा कॉमा बी tan थीटा, उससे भी करोगे तो थीटा की वैल्यू मिलेगी, तो अगेन आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये सबसे सिंपल मेथड। ठीक है, चलो थैंक यू, अब उसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।